हैं। अच्छा सर, अब मैं कब आऊं? मतलब ऐसा खतरनाक सवाल पूछते हैं, अच्छा अब मैं कब आऊं? अच्छा वो आदमी को पूरा अच्छे बढ़िया तरीके से समझा डाला है, पूरा प्रेजेंटेशन दे डाला है, पूरा सब पूरा वो तैयार भी हो गया है, ऑलमोस्ट वो आदमी पूरी तरीके से तैयार है, और जाके गलती क्या करते हैं? अच्छा सर अब मैं कब आऊं? ये बहुत खतरनाक क्वेश्चन है, जाके ऐसी बात पूछते हैं, अब मैं कब आऊं? अच्छा वो बेचारे कस्टमर को समझ नहीं आता है कि मैं क्या बोलूं, कस्टमर को लगता है यार पता नहीं शायद इनको दोबारा से आने का ऐसा कुछ कोई तरीका होता होगा कि इनको दोबारा आना होता होगा। अब वो बेचारा भोला वाला कस्टमर होता है, वो कहता है ठीक है भाई साहब, वो बेचारा कोई ना कोई डेट दे डालता है। तो बहुत सारी मीटिंग्स के अंदर, सिंगल विजिट के अंदर पॉलिसी उठ सकती है, लेकिन कई बार क्या करते हैं हम लोग, सिंगल विजिट में उठाने की बजाय ना कुछ एक ऐसी खतरनाक गलतियां कर डालते हैं कि जिसका नतीजा हमें बहुत भारी चुकाना पड़ता है। उसके बाद क्या होता है, सेकंड टाइम में ना फिर वो पता लगता है बंदे ने फोन ही उठाना बंद कर दिया। जो पॉलिसी पहली मीटिंग के अंदर बिक गई सो बिक गई, पहली मीटिंग के अंदर जितना शानदार तरीके से प्रेजेंटेशन दे सकते हो, जितना बढ़िया तरीके से अपॉइंटमेंट ले सकते हो, जो बढ़िया से बढ़िया कर सकते हो पहली मीटिंग के अंदर कर डालो, क्योंकि बाद का ना कुछ कह नहीं सकते, बाद में क्या होएगा कुछ नहीं बोल सकते। कुछ आप बताना चाहेंगे? हरिराम सर जी गुड एक्चुअली क्या मॉर्निंग, होता है क्या है ना सर, आप बताइए। सुना गुड बताइए मॉर्निंग सर, जी बताइए सर सर, एक्चुअली गुड मॉर्निंग होता क्या जी है ना सर, कोशिश जी तो यही रहती है कि जी पहली मीटिंग में डन होना चाहिए। ये बात तो हाँ सर हम अच्छे से फर्स्ट, जानते हैं कि पहली मीटिंग में जो काम हो गया वो हो गया। हाँ फर्स्ट, अगर उसने आनाकानी करी इसका मतलब ये है कि हमें कहीं ना कहीं कमी है, हम अच्छे से नहीं समझा पाए इसको, इसे हम संतुष्ट नहीं कर पाए। हमें अगर अपने आपने कुछ ऐसा उसे स्पेशल दिखा दिया या संतुष्ट कर दिया तो वो पहली बार भी पॉलिसी ले लेता है, और जो पॉलिसी पहली बार में बिक जाती है फिर तो उसका फॉलोअप ही करते रहो, फॉलो फिर तो अप उसका में फॉलोअप ही ना, करते रहो। हाँ ये एक थोड़ा सा समस्या वाली बात है कि जो पहले वाले हो गया, मतलब फर्स्ट टाइम में जो हो गया सो हो गया, तो पहली देखो बार सर हम इनसे इतना ना ज्यादा जाए, मजबूती से पेश आए, इतना ज्यादा शानदार तरीके से बात करें, इतना ज्यादा बढ़िया तरीके से बताएं, इतना अच्छे तरीके से अपॉइंटमेंट लें, सभी चीजें हम इतनी ज्यादा बढ़िया तरीके से करें कि दोबारा की नौबत ही ना आए। और दोबारा यदि अच्छा बाय सर चांस मान लो किसी वजह से दोबारा मीटिंग करने की नौबत पड़ रही है, मान लो जरूरत पड़ रही है, तो यदि पहली मीटिंग में सेल नहीं हुआ ना, तो अगला अपॉइंटमेंट का डेट टाइम और जगह हम वहीं पर फाइनल करने के बाद उठे वहां से। वहां पे हम कस्टमर के सामने, अब वो कहता नहीं जी कल आ जाओ, ठीक है सर कल आ जाते हैं, कल का सर ये टाइम यहाँ पर सर 5 बजे मैं आपके घर पर आ रहा हूँ। कस्टमर से नहीं पूछना है कि मैं कितने बजे आऊं, सर कल मैं 5 बजे। अच्छा फिर वो बोलता है आप ना ऐसा करना कि सुदामा जी आप फोन करके आ जाना, कहना सर आपके पास देखो आज मैंने बता दिया इतने बढ़िया तरीके से प्रेजेंटेशन, आपको तो पसंद ही आ गया, भाभी जी को भी पसंद आया, चाहे उसको पसंद आए ना आए, आपको क्या बोलना है, सर आपको तो अच्छा लग रहा है ना, बढ़िया लग रहा है, आपको पसंद आ रहा है, आप इतने अच्छे इसके देखो आप बता रहे हो इंश्योरेंस कवर भी ठीक है, एक्सीडेंटल कवर, आपको इतना अच्छा लग रहा है, चाहे उसको बिल्कुल थर्ड क्लास लग रहा हो, चाहे उसने आपकी 10 कमियां निकाल के रखी हो, आपको क्या बोलना है, नहीं सर आपको बहुत अच्छा लग रहा है, सर आप तो लेना चाह रहे हो, लेकिन सर आप बोल रहे हो कि नहीं मेरी चेकबुक ना अभी मेरे पास है नहीं, तो इस वजह से मैं बाद में पेमेंट दूंगा, तो आपने बोला है कि कल आ जाओ, तो सर कल हम ऐसा करते हैं कल मैं आपके घर पर आता हूँ 5 बजे। अब वो बोलता नहीं कि वो आप ना आने के पहले फोन करना, तो हमें इस जाल में फंसना नहीं है, आने के पहले फोन के जाल में फंसना नहीं है, हमें क्या बोलना है, अरे सर आपको तो पूरा 99% तो हो गया ना सर, तो आना ही है, इसमें फोन क्या करना सर, आपकी तरफ से तो पक्का है ना, मेरी तरफ से भी पक्का है, हाँ आपके प्रोग्राम में कोई चेंज हो क्या बोलना है हमको, देखो मेरी तरफ से भी पक्का है आपकी तरफ से भी पक्का है, बाई चांस यदि कुछ चेंज हो तो सर आप मुझे कॉल कर दीजिएगा, आप मुझे बोल दीजिएगा, मैं तो सर पक्का आ ही रहा हूं, और फिर उसके बाद क्या करना है आपको बिना फोन किए पहुंच जाना है, पहली बार अपॉइंटमेंट लेके पहुंचना है, सेकंड टाइम अपॉइंटमेंट लेके पहुंचना, सेकंड टाइम तो अपॉइंटमेंट ऑन द स्पॉट फिक्स कर लेना है, और ऑन द स्पॉट फिक्स करके अगले दिन चुपचाप पहुंच जाना है, और पहुंच के समझो वहां पर वो नहीं मिला जिसकी संभावना है, जिसकी पूरी पूरी संभावना है, फिर आपको वहां पे जाके उसको फोन करना है, हेलो सर मैं आपके घर में बैठा हूँ, आपने कहा था 5 बजे मैं घर पे मिलूंगा, सर सॉरी आपसे मुलाकात नहीं हो पा रही, सर आप कहाँ हैं, अरे अरे मैं भूल गया था। अब यदि उसने बोल दिया ना कि मैं भूल गया था, आप समझो कि आपकी पॉलिसी बिकने वाली है, कैसे बिकने वाली है भाई ये क्या कमाल की बात है कि पॉलिसी बिकने वाली है, यदि वो नहीं मिला तो ये बहुत ही अच्छी बात है, क्यों कि आपने उसके ऊपर साइकोलॉजिकल प्रेशर डाल दिया,
आपने एक दिन पहले अपॉइंटमेंट फिक्स किया था कि सर मैं अगले दिन आपको 5 बजे घर पे आके मिलूंगा या तो ऑफिस में आके मिलूंगा, आप वहां पे गए, वो आदमी नहीं मिला, आपको फोन करके बोलना है सर मैं तो वेट कर रहा हूँ आपका, आप इधर हो नहीं। अब वो बेचारा प्रेशर में आ जाएगा, उसको लगेगा यार देखो सुदामा जी आए हैं, स्पेशली आए हैं, मैं नहीं हूँ तो, अरे अरे भाई साहब मैं, आप ऐसा करो आप ना कल सवेरे 9 बजे मेरे ऑफिस से चेक ले लो। इस आदमी को चेक देना ही पड़ेगा, ये और कुछ कर ही नहीं सकता। क्यों? कि आपने सेल्स की टेक्निक को फॉलो किया है, आप सिस्टम से, सेलिंग इज ए साइंस, आप इसको साइंस की तरह लेंगे, आप इसको सिस्टमेटिकली फॉलो करेंगे, आपका पॉलिसी ना बिके ऐसा हो ही नहीं सकता। हाँ, आपको सिस्टमेटिकली चलना है, आपको इसको साइंस की तरह फॉलो करना है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, ये छोटी छोटी बातों का हम समय समय पर इसके बारे में बातचीत करते रहेंगे। सो और कोई साथी बताना चाहेंगे अपनी प्रोग्रेस के बारे में? कोई सिन्हा साहब गुड मॉर्निंग, हरिराम जी गुड मॉर्निंग, मिस्टर कुमार गुड मॉर्निंग, रविराज जी गुड मॉर्निंग, और कोई साथी अजय कुमार मिश्रा जी गुड मॉर्निंग, कोई भी साथी बताना चाहेंगे कोई आपका एक्टिविटी? गुड मॉर्निंग सर, या गुड मॉर्निंग बताइए। हाँ जी सुदामा जी, आप कुछ कंप्लीट करना चाह रहे थे, क्या ना सर बताएं? हाँ मैं कह रहा था सर, होता क्या ना इंश्योरेंस का ना नीड जब समझ में आता है, जब बंदे को रिक्वायरमेंट हो जाता है, इसके बच्चे शादी लायक हो जाते हैं, उसके पास पैसा नहीं होता, या अचानक उसके साथ कुछ गलत हो जाता है, मतलब ये कुछ एक्सीडेंट वगैरह जब, तब उसे मतलब उसकी कीमत समझ में आता है। तो ये चीज में पहला समझाना होता है, क्योंकि तो वो उसको नीड, वो इंश्योरेंस उसको नीड नहीं समझता, इंश्योरेंस उसकी नीड है। नीड वो जब समझता है, जब उसकी समझ में आ जाता है, हाँ मैं इंश्योरेंस करा लेता। ऐसे हमारे एक रिलेटिव है, रिश्तेदार है, मैं उनसे काफी दिन कहता था कि आप एक पॉलिसी करा लीजिए, पॉलिसी करा लीजिए। कल उनकी थोड़ी दिन बाद पहले उनका एक्सीडेंटल हो गया, एक्सीडेंटल हो गया सर, उनकी डेथ हो गई, डेथ हो गई सर। मैंने उन्हें फोन किया, मतलब 4-5 दिन पहले, मैं पहले घूमने गया, मैं घूमने के बाद मैडम को भी ले गया, अपने खुद भी हो गया 2-3 बार। तो मैंने कल उन्हें फोन किया, मैंने कहा भाभी जी नमस्ते, मैं बोल रहा हूँ कि हाँ जी बोलिए। मैंने भाभी जी कोई भैया जी की पॉलिसी वॉलिसी है कोई जिससे मैं आपका क्लेम व्लेम करवा दूँ, कुछ मुझसे हेल्प हो जाए, मैं आपकी हेल्प करा दूँ? कि बोलो आपने बोला तो था भाई साहब, हमने तो करा नहीं पाया, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तो आप एक काम करो, आप घर पे आ जाओ और हमारी 1-2 पॉलिसी हमारे बच्चों के नाम से पॉलिसी कर दो, जब बच्चे शादी लायक होंगे तब मिल जाएगा। मैं ठीक है भाभी जी, मैं आता हूँ, जितनी मुझसे हेल्प होगी मैं कर दूंगा। तो सर उस टाइम उनको समझ में आया इंश्योरेंस की क्या कीमत है, क्योंकि सर नीड उस टाइम नीड नहीं लगती लोगों को। उस टाइम तो लगता है कि मैं सारी जिंदगी ऐसा ही रहूंगा, कभी बूढ़ा नहीं होऊंगा, कभी मेरे हाथ पे काम करना बंद नहीं करेंगे, ना मेरे साथ कभी ट्रेजेडी हो सकती, ना मेरा एक्सीडेंटल हो सकता, मैं तो अस्वस्थ हूँ, हेल्थी हूँ, मेरे साथ क्या गलत होगा, आदमी नहीं सोचता। आपकी बात ठीक है सुदामा जी, लेकिन हमको जीते जी हम आदमी को इंश्योरेंस की जरूरत समझा पाए, इतनी काबिलियत हमें अपनी बढ़ानी पड़ेगी। हम उसको मरने के बाद तो हमें अपनी, देखो हमारी काबिलियत कम थी, इस वजह से हम उसको इंश्योरेंस के बारे में पूरी तरह से कन्विंस नहीं कर पाए। हमें नॉलेज कम थी, हमें हम उसको समझा नहीं पाए ठीक से, इस वजह से उसने लिया नहीं। देखो एक ही आदमी के पास 4 एजेंट जाते हैं, पहले से नहीं लेता, दूसरे से नहीं लेता, तीसरे से नहीं लेता, चौथे से ले लेता है। क्यों भाई? ये चौथे ने कुछ तो किया है ना, कुछ तो बढ़िया किया है, कुछ तो शानदार किया है, कुछ तो बढ़िया बताया। हम समझाने की, हमें अपनी काबिलियत को इम्प्रूव करना पड़ेगा, हम अच्छे तरीके से समझा पाए, ऐसा हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। और यही मकसद है सुबह सुबह यहाँ पर आने के लिए, कि भाई हम यहाँ पर आए, अपनी काबिलियत को इम्प्रूव करें, हम बढ़िया तरीके से समझाने के लायक बन सकें। जी और कुछ? जी और कोई साथी बोलना चाहेंगे, कोई अपना सेल के बारे में, कोई एक्सपीरियंस के बारे में? राजेंद्र जी गुड मॉर्निंग। अरे यार राजेंद्र जी तो आज के सुपरस्टार हैं, कल नहीं, आपका माइक बंद है राजेंद्र जी। खुल लिया ऑन है अभी। अरे भाई साहब बहुत बहुत बधाई, आप कल जो है जो आरएम मार्केटिंग से मिलकर आए हैं, पूरे नॉर्थ इंडिया के हेड है, क्या बात है भाई, बहुत बहुत बधाई हमारी ब्रांच से। आज बुलाया है पर्सनली ऑफिस आऊंगा आज। अरे वाह क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया, आपको आरएम मार्केटिंग स्पेशल बुला रहे हैं। 8 बजे सुबह सर की बात है, उन्होंने खुद ही फोन आया मेरे पास, कह रहे हैं आ तू आ जियो, आज तू आ जियो। क्या बात है, बहुत बढ़िया। आरएम मार्केटिंग जो है पूरे नॉर्थ इंडिया के हेड है एलआईसी के, और 17 डिवीजन उनके अंडर में आते हैं, 350 ब्रांचेस उनके अंडर में आती हैं, और स्पेशली आपको याद कर रहे हैं तो भाई आपने कुछ तो कमाल किया ही है। बढ़िया, कल का मीटिंग कैसा रहा? कल जो है हमारी ब्रांच के 17 एजेंट्स को बुलाया था, तो हमारी टीम से भी 2 साथी थे, आप थे, मनीष जी थे। आपका कैसा रहा? बहुत बढ़िया रहा, बहुत बढ़िया प्रोग्राम रहा कल का। अच्छा क्या खास रहा? खास कुछ ज्यादा नहीं था, फिर भी ठीक था। अच्छा, उसमें ब्रांचेस आई हुई थी, वो टॉपर्स थे, 50 पॉलिसी वाले, 100 पॉलिसी वाले थे,
उनका ये था कि अभी बॉल्सिस बढ़ानी है, नंबर ऑफ बॉल्सिस जो है डिवीजन है, नंबर ऑफ बॉल्सिस बढ़ानी है, आज क्या वो सब चीजें बता रहे थे आज। ठीक है, वो सब चीजें बता रहे थे। बोलने लगे 5:30 बज गए थे उधर, 5 बजे खत्म होना था, लेकिन अभी वो बहुत मजा आ रहा था उधर, तो आधे घंटे और अभी लग गया ऐसा टाइम उधर। अच्छा था, अच्छी चीजें बताई उन्होंने एजेंट्स के लिए, बताया कि एक दो उन्होंने एग्जांपल दिए थे कि यार 5-star होटल वगैरह में कोई जाता भी है खाना वाना खाने, तो हमारा एजेंट में क्यों नहीं जा सकता। ठीक बात है, काफी सारी चीजें होती है, बढ़िया था प्रोग्राम जी, बढ़िया, चलो दैट्स वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हरिराम जी आप कुछ बोलना चाह रहे हैं क्या? हरिराम जी आप क्या बोलना चाह रहे हैं? आपके यहाँ से ढेर सारी आवाज आ रही है, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं तो बोल डालिए, अपने अंदर दबा के मत रखिए, अपने बिल्कुल आप बोल डालिए, आपका माइक कौन है, कुछ आप बोलना चाह रहे हैं बताइए। हाँ जी बताइए बताइए, क्या बोलना चाह रहे हैं? नेट नहीं काम कर रहा है आपका, तो अपना माइक यदि आप काम नहीं कर रहा, बार बार चला जाता। कोई बात नहीं, आप यदि अपना माइक म्यूट करके रखेंगे तो कम से कम क्या है ना, शोर नहीं होगा, या तो फिर आप बोलें जो भी आप बोलना चाहते हैं तो आप उसको बोलें। सो और किसी का साथी का कुछ इच्छा है कुछ बोलने का कुछ बताने का? नहीं, एक तो कल विनोद जोशी भी आ रहे हैं, कल का प्रोग्राम है, विनोद जोशी ब्लिस सॉफ्टवेयर के जोनल मैनेजर हैं, और हमारी टीम में बहुत सारे साथी हैं जो ऑलरेडी इस वाले सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर रहे हैं, राजेंद्र जी कर रहे हैं, हमारे पास गुड्डू जी कर रहे हैं, कमल जी कर रहे हैं, मनीष कर रहे हैं, बहुत सारे साथी हैं जो कि इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, पॉलिसी अच्छे तरीके से उसकी वजह से बेच पा रहे हैं। कल का प्रोग्राम किसी भी हालत में आप मिस मत करिएगा, 8:35 पर है। अभी जो हम बातचीत करेंगे सेशन 4, वीक 4, चौथे हफ्ते का प्रोग्राम है, 50 हफ्ते का राजेश टैगोर का प्रोग्राम था। आप सभी को ये वाला प्रोग्राम के जो हमने 3 हफ्ते का जो प्रोग्राम का डिस्कशन किया, आपको अच्छा लगा? आपने से आपका एक्सपीरियंस आपको अच्छा लगा? ठीक है, तो ये 50 हफ्ते का प्रोग्राम है, सेल्स मास्टरी ट्रेनिंग प्रोग्राम, प्रोस्पेक्टिंग के बारे में है। प्रोस्पेक्टिंग क्या होता है, क्यों होता है, कैसे करना होता है, ये सब उसके बारे में है। हर सोमवार को होता है 7:00 से 8:00, या तो फिर हिंदी में होता है, इंग्लिश में 7:00 से 8:00, हिंदी में होता है 8:30 से 9:30 तक। तो 8 फरवरी को प्रोग्राम हुआ था 3 दिन पहले, तो हम उसके बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश कर लेते हैं कि उसके अंदर हमारे काम का क्या क्या था, उसके अंदर क्या क्या अच्छा था जो कि हम सीख सकते हैं। ठीक है, हमने उसको प्रोग्राम उसका जो फीस था 5,900 पेमेंट करके ज्वाइन नहीं किया, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने कर रखा है, धर्मेंद्र कुमार जी ने कर रखा है, देशराज कपूर जी ने कर रखा है, तो हम तीनों लोगों ने कर रखा है, तो हम तीनों जो है यदि आप चाहें तो हम थोड़ा सा शेयरिंग कर सकते हैं कि भाई उस प्रोग्राम के अंदर हमने क्या क्या सीखा, क्या क्या समझा। एलआईसी एजेंट का 2 तरह का काम होता है, और एलआईसी एजेंट किस बात का ध्यान रखते हैं और क्यों रखते हैं, क्या वो प्रोस्पेक्टिंग का ध्यान रखते हैं कि नहीं रखते हैं, क्या वो सेलिंग का ध्यान रखते हैं, या तो क्या वो फॉलो अप का ध्यान रखते हैं, प्रोस्पेक्टिंग रोज करते हैं कि नहीं करते हैं। अब ये हमें क्या है, ये अपने ऊपर लेके हमको देखने की जरूरत है कि हम किस हिसाब से चलते हैं, क्या क्या करते हैं, अलग अलग प्रोस्पेक्टिंग टूल क्या क्या होते हैं, प्रोस्पेक्टिंग क्या होती है, ये सारी सारी बातें हुई थी हमारी सोमवार को, हम दोबारा से इसके बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश कर लेते हैं। तो प्रोस्पेक्टिंग होता क्या है, प्रोस्पेक्टिंग का मतलब होता है कि ऐसे लोगों को ढूंढना जो कि हमसे बीमा कराने को तैयार हो, जो भी हम एलआईसी का पॉलिसी बेच रहे हैं तो ऐसे लोगों को ढूंढना जो हम कहानी सुना रहे हैं वो सुनने को तैयार हो, जो हम पॉलिसी बता रहे हैं, जो कंसेप्ट बता रहे हैं, जो आइडिया बता रहे हैं, इन सब के बारे में सुनने को, जानने को, समझने को लोग तैयार हो, ऐसे लोगों को ढूंढना, इसको बोलते हैं प्रोस्पेक्टिंग। तो प्रोस्पेक्टिंग के अंदर करना क्या होता है, यहाँ पर प्रोस्पेक्टिंग के बारे में लिखा है कि प्रोस्पेक्टिंग में क्या करना होता है। प्रोस्पेक्टिंग डिजास्टर से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं कि प्रोस्पेक्टिंग के अंदर गड़बड़ी क्या क्या होती है। तो प्रोस्पेक्टिंग इज द आर्ट ऑफ फाइंडिंग पॉसिबल फ्यूचर कस्टमर, ये बात तो हमने समझ लिया कि भाई हमें ये एक कला है, एक कला है जिस कला को कोई बढ़िया से कर लेता है, कोई इतना बढ़िया नहीं कर पाता है, लेकिन ये सीखी जा सकती है, यदि हम इसको सीख लेते हैं तो हम इसको बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। तो इसके बारे में क्या बता रखा है कि हमें क्या करना चाहिए, फ्रॉम डे वन इन एजेंसी, एजेंसी जब आप पहले दिन से आपका एजेंसी चालू हो तो आपको क्या बोला गया है, अभी तक आपको क्या बोला गया था, आपको अलग अलग लोगों ने अलग अलग लोग अलग अलग समय पर अलग अलग ट्रेनिंग प्रोग्राम में क्या बोला गया था, जितने भी लोगों को जानते हो सबका लिस्ट बना लो,
आप में से आपको किसी को बोला गया था ऐसा कि नहीं बोला गया था? आप माइक ऑन करके बोला गया था। बढ़िया। अब हम इस वाले तरीके के फायदे और नुकसान के बारे में जान लेते हैं कि लिस्ट बनाने के फायदे क्या है और नुकसान क्या है। तो हमने लिस्ट बनाया, नेचुरल मार्केट मतलब इन लोगों को नेचुरली जानते हैं। तो हमें क्या बोला गया था, एक तो लिस्ट बना लो आसपास के जितने लोगों को जानते हो, आपके फोन में जितने नंबर हैं, आपके अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार दो जान पहचान, लिस्ट बना लो। चलो लिस्ट बना ली, उनको कॉल करो, कॉल कर लिया, अपॉइंटमेंट फिक्स करो, कर लिया, चले गए, चल हो गया, कोई दिक्कत नहीं। प्रेजेंटेशन कर दिया, वो फॉलो अप करो एक बार दो बार तीन बार चार बार, कितना फॉलो अप करें भाई। तो पॉलिसी बेच डालो, पॉलिसी बिक गया, ठीक है। ये जो था इसको कुछ लोग मानते हैं, जैसे कि राजेश टैगोर जी हैं, वो इसको मानते हैं। हर एक का देखो अपना व्यू पॉइंट है। इस वाले तरीके से आप में से बहुत सारे साथी हैं जो कि सक्सेसफुल हुए हैं, इस वाले तरीके में से बहुत सारे साथी हैं LIC एजेंट्स हैं जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड सक्सेसफुल हुए हैं, और इसी वाले तरीके के कारण बहुत सारे साथी फेल भी हुए हैं। इसी वाले तरीके, अब जैसे चाकू से सब्जी काटते हैं, तो चाकू से सब्जी भी कट सकती है और चाकू से गलती से उंगली भी कट सकती है। तो इस वाले तरीके से बहुत सारे LIC एजेंट्स का फायदा भी हुआ है और कुछ का नुकसान भी हुआ है। तो हम थोड़ा सा देख लेते हैं फायदा क्या नुकसान क्या, तो आपको थोड़ा सा रिलेट करेगा कि आपको क्या क्या इसका हुआ है, अभी तक कैसे कैसे चला है। तो इसमें लिखा है गारंटीड फेल, ये इसके अंदर फेलियर की संभावना बहुत ज्यादा है। नरेंद्र जी आप कुछ बोलना चाहते हैं, आपका माइक ऑन है? नहीं सर, गुड मॉर्निंग सर। नहीं पश, गुड मॉर्निंग नरेंद्र जी, वेलकम। आप कुछ कहना चाहते हैं? नहीं सर, नहीं। ओके जी, तो इसका फेलियर का ये कारण क्यों है, इसमें ऐसा क्या है भाई? अभी आज तक तो जिस चीज से हम सक्सेसफुल हो गए, आज हम उसको बोल रहे हैं कि वो तो फेल होने वाली चीज है, क्या बात है भाई, ये तो बड़ी अजीब बात है, बड़ी स्ट्रेंज बात कर रहे हैं। आप कितने लोगों को जानते हैं? अब हम इसको देखेंगे कि इसमें लिस्ट बनाने में अच्छाई क्या है, बुराइयां क्या है। हाउ मेनी पीपल डू यू नो? अभी मैं क्या बोलता हूँ, मैं आपको डेली बोलता हूँ भाई ऐसा करो, रोज एक आदमी को, एक्स्ट्रा आदमी को मिलो, एक दो तीन चार पांच, रोजाना मीटिंग करो, रोजाना फॉलो अप करो, रोजाना फोन कॉल करो, रोजाना व्हाट्सएप पे पॉलिसी समझाओ, जैसे मर्जी पॉलिसी समझाओ भाई, ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिलो, बात करो, इंटरव्यू करो, प्रेजेंटेशन करो, अभी मैंने बोला। अब आप बोलते हो यार ये क्या फालतू की जान खाए जा रहे हैं, अरे हम जानते ही नहीं यार इतने लोगों को, जाए कहाँ। तो इसके अंदर क्या लिखा है, आप कितने लोगों को जानते हैं? अभी आप देखोगे, समझो आपने अपना फोन का कॉन्टैक्ट लिस्ट उठाया, मान लो एग्जाम्पल, क्योंकि जितने भी लोगों को आप जानते हो उनमें से मान लीजिए 99% या 97% या 96% तो आपके फोन के अंदर उनके नंबर्स हैं, आपकी फोन बुक में आपने उनको सेव कर रखा है। तो आप कितने लोगों को जानते हैं? किसी के फोन में 50, 100, 200, 300, 500, 1000, 2000, 3000, 5000, यही सब होता है। जैसे मेरी फोन की बुक में कॉन्टैक्ट लिस्ट आप उठा के देखें, 7712 मैंने कल देखा, 7712 कॉन्टैक्ट लिस्ट में 7712 लोग सेव हैं। ये सब लोग वो थे जिनको आप जानते हैं, और जिनको नहीं जानते वो कौन है भाई? ये दुनिया, ऐसी दुनिया देखी आपने? इस तरह के लोगों को देखा है आपने? ये जनता को देखा है आपने जिनको आप नहीं जानते? देखा है ना? तो भाई ये सारे वो लोग हैं जो कि बीमा ले सकते हैं जिनको हम नहीं जानते। हमने क्या बात किया, हाउ मेनी पीपल डू यू नो, कितनों को हम जानते हैं? 50, 100, 200, 300, 500, 1000, 2000, 10000। How many you don't know? इतने सारे लोगों को हम नहीं जानते। नहीं जानते तो क्या बीमा नहीं बेचेंगे क्या? नंबर ऑफ नोन पीपल, जिनको हम जानते हैं वो हमारे फोटोग्राफ में मिलते हैं, फेसबुक में मिलते हैं, कॉन्टेक्ट में मिलते हैं, व्हाट्सएप में मिलते हैं, ये सब लोग उधर मिल जाते हैं हमको। हम उनके घर भी जाते हैं, मिलते भी हैं, स्पोर्ट्स में मिलते हैं, मीटिंग में मिलते हैं। नंबर ऑफ अननोन पीपल आप देख सकते हैं कितने ढेर सारे लोग हैं जिनको हम नहीं जानते। नहीं जानने वाले लोगों की संख्या बहुत 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 ज्यादा है। जिनको हम नहीं जानते वो वाले लोग बहुत 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 ज्यादा है, इतने ढेर सारे लोग हैं। तो नंबर ऑफ नोन पीपल 130। एग्जाम्पल मान लीजिए आप 130 लोगों को जानते हैं, लेकिन जिनको आप नहीं जानते वो कितने हैं? 130 करोड़। बीमा कहाँ बेचना चाहिए, 130 को बेचना चाहिए कि 130 करोड़ को बेचना चाहिए? 130 करोड़ को। 130 करोड़ में ज्यादा बीमा बिक सकता है या 130 में ज्यादा बीमा बिक सकता है? 130 करोड़ में ज्यादा पैसा 130 करोड़ दे सकते हैं या ज्यादा पैसा 130 दे सकते हैं? 130 करोड़ सर। आप अमीर 130 करोड़ से बन सकते हो या तो आप अमीर 130 से बन सकते हो?
आपको अमीर ये 130 करोड़ लोग बना सकते हैं, या तो आपके जो 200 400 500 आपको जिनको जानते हो वो आपको बना सकते हैं अमीर? 130 करोड़ बना सकते हैं, राइट। तो हमको क्या करना है, हमको क्या करना है, कोई ना कोई तरीका निकालना है। नंबर ऑफ अननोन पीपल आर 1 करोड़ टाइम्स हायर, 1 करोड़ गुना ज्यादा है। तो हमें अनजान को अप्रोच करने का तरीका ढूंढना है। मीटिंग नोन पीपल एंड ट्राइंग टू सेल देम पॉलिसीज इज द गारंटीड वे टू फेल इन इंश्योरेंस करियर। आप जानकार को इंश्योरेंस बेचें, मैं उसको मना नहीं कर रहा। आज आपको पता लग रहा है कि आपने राजेश टैगोर वाला ये जो प्रोग्राम है 50 हफ्ते वाला, इसमें ज्वाइनिंग नहीं करके कितना बड़ा गलती किया। एक से एक शानदार बातें वहां पर की गई हैं, एक से एक बढ़िया बातें वहां पर की गई हैं, एक से एक बढ़िया शानदार खूबसूरत तरीके से नई नई चीजों को जो हमारे जीवन के अंदर सुबह से शाम तक होती हैं, उन सभी चीजों को वहां पर बताया गया है। तो इसके अंदर क्या बताया कि भाई नोन पीपल को मिलके, अभी हम जानकार को मिलते हैं, जानकार को मिलने में बुराई नहीं है, खराबी नहीं है, बुरी बात नहीं है। आपका पॉलिसी बिकेगा, वहां भी बिकेगा, आसानी से भी बिक सकता है, मुश्किल से भी बिक सकता है, कैसे बिकेगा इसको नहीं कह सकते। लेकिन मीटिंग नॉन पीपल एंड ट्राइंग टू सेल देम पॉलिसी इज द गारंटीड वे टू फेल इन इंश्योरेंस करियर। ऐसा क्यों भाई, आज तक तो हमें किसी ने ये बात बताई नहीं। तो फिर आज हमें ये बात करने की, आज हमें ये बात सोचने की, आज हमें इसके बारे में बात करने की जरूरत क्या महसूस हो गई भाई? जानकारों को बेचने से सबसे बड़ी मुसीबत, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है वो क्या होता है, हम एक जाल में फंस जाते हैं। जाल कौन सा होता है कि मैं सिर्फ जानकार को ही मिलूंगा जी, मैं तो अननोन को नहीं मिलूंगा। अरे भाई फिर हम 130 करोड़ को भूल जाते हैं, हम 130 के चक्कर में पड़ जाते हैं। नहीं जी मैं उन्हीं को फॉलो अप कर रहा हूँ, और वो बेचारे दुखी हो जाते हैं यार, ये रोज आ जाते हैं, रोज फोन कर देते, फिर वो फोन उठाना बंद कर देते हैं। अननोन के अंदर ही पैसा मिलने वाला है, अननोन के अंदर ही आपके सारे सपने पूरे होने वाले हैं, अननोन के अंदर ही आपकी ग्रोथ होने वाली है, अननोन में ही आप क्लब मेंबर बनने वाले हो, अननोन में ही आप MDRT बनने वाले हो, COT बनने वाले हो, TOT बनने वाले हो, कॉर्पोरेट क्लब मेंबर बनने वाले हो, गैलेक्सी क्लब मेंबर बनने वाले हो, अननोन में ही बाकी के क्लब मेंबर आप बनने वाले हो, BM क्लब, DM क्लब, ZM क्लब, CM क्लब, वो अननोन में बनने वाले हो। जानकारों को नहीं छोड़ना, जानकारों का पॉलिसी करना है, लेकिन कितना करोगे भाई? आपने कोई डॉक्टर, कोई दुकानदार, कोई शोरूम वाला, कोई बस ड्राइवर, कोई एरोप्लेन वाला, ये सब देखे, वो बोले नहीं मैं तो सिर्फ जानकार को ही डील करूंगा, उस बेचारे का तो भट्टा बैठ जाएगा, एक दिन में उसकी दुकान बंद हो जाएगी। पायलट बोलता है, एरोप्लेन का पायलट, मैं सिर्फ जानकार को ही लेके जाऊंगा जी एरोप्लेन में, वो बेचारा पता लगा पूरा प्लेन खाली हो गया। अननोन से ही गुजारा चलता है, नोन से ज्यादा बिजनेस की ग्रोथ हो नहीं सकती है। सो दो एजेंट है, महेश एंड संगीता नाम उनके बदले हुए हैं। तो महेश ने क्या किया, एजेंसी लिया, एजेंसी लेने के बाद उसने कहा वो जानकार लोगों का सबका लिस्ट बना लिया, लिस्ट बनाने के बाद वो अपना एक आदमी को मिलने गया, जानकार था, उसका दोस्त था, पक्का दोस्त था। जैसे ही वो महेश उसको मिलने गया, उसके पक्के दोस्त, अब दोस्त आया है घर पे तो वो महेश का तो वो तो अच्छे से स्वागत करेगा ना उसका दोस्त, तो अच्छे से उसने वेलकम किया। वेलकम करने के बाद महेश ने अपनी बात शुरू कर दी, मैंने LIC का एजेंसी चालू किया है, पॉलिसी करा लो। जैसे ही उसने LIC का नाम लिया, दोस्त का रवैया पूरी तरीके से बदल गया, पूरी तरीके से बदल गया। आपके साथ कभी ऐसा हुआ है क्या? सर होता है, कई बार होता है, होता है। सो दोस्त का रवैया पूरी तरीके से बदल गया। मैं दोस्त को पॉलिसी समझाने के लिए मना नहीं कर रहा, लेकिन मैं अनप्रोफेशनल तरीके से समझाने के लिए मना कर रहा हूं। आप दोस्त को पॉलिसी समझाएं, लेकिन इस तरीके से ना समझाएं कि उसका रवैया बदल जाए। आप इस तरीके से समझाएं कि उसको लगे कि मेरा ये जो दोस्त है, मेरे जो दोस्त हैं सुदामा शर्मा जी, मेरा फायदा कराने के लिए आए हैं, मेरा भला करने के लिए आए हैं, मेरी दोस्ती निभाने के लिए आए हैं। उसको ये नहीं लगना चाहिए कि आप उसकी दोस्ती का फायदा उठाने के लिए आ गए। आप उसको ये नहीं लगना चाहिए कि आप रिश्तेदारी का फायदा उठाने के लिए आ गए। उसको क्या लगना चाहिए, ये मेरा इनकम टैक्स बचवा रहे हैं, 1.5 लाख का Section 80C का इनकम टैक्स बचवा रहे हैं। उसको क्या लगना चाहिए, ये मेरा फायदा करवा रहे हैं। उसको क्या लगना चाहिए, ये देखो मेरी फैमिली को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। उसको फायदा लगना चाहिए, उसको एहसान नहीं लगना चाहिए। देखो जी मैं सुदामा जी आपके ऊपर एहसान करके ना आपको 10,000 रुपये महीने का चेक दे रहा हूँ। एहसान क्यों भाई, वैल्यू ड्रिवन सेल करें ना हम लोग। ठीक है बहुत सारे एजेंट्स हैं वो एहसान के नाम पर भी पॉलिसी बेचते हैं, चलो ठीक है जी आप मेरे को दे दो यार, आप 2,000 रुपये महीना दे दो, तो ठीक है उनका तरीका जो है सो है। लेकिन क्या हम वैल्यू ड्रिवन नहीं बन सकते क्या? क्या हम फायदा पहुंचा के कस्टमर को, क्या हम उस तरीके से पॉलिसी नहीं बेच सकते क्या? सो संगीता, महेश और संगीता, मतलब मेल हो या फीमेल हो, कोई भी हो, ये सिचुएशन किसी के साथ भी हो सकती है। ऐसा नहीं है कि किसी एक के साथ हो सकती है, दूसरे के साथ हो सकती है।
ओरिजिन ऑफ लीड जनरेशन, जानकार को पॉलिसी कैसे बेचना है, प्रोफेशनल तरीके से बेचना है, अनजान को पॉलिसी कैसे बेचना है, प्रोफेशनल तरीके से बेचना है, जानकार को ये नहीं लगना चाहिए कि इसने मेरी जान खाई है, जानकार को ये लगना चाहिए कि इसने मेरा फायदा किया है। ओरिजिन ऑफ लीड जनरेशन, लीड जनरेशन क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं भाई? अभी हम सेलिंग के बारे में, एजेंसी के बारे में बोलते हैं भाई, लीड जनरेशन करो, लीड जनरेशन करो, लीड जनरेशन होता क्या है ये? चलो देख लेते हैं लीड जनरेशन क्या होता है। तो लीड जनरेशन के अंदर क्या करना होता है, हमें लीड, हमें लोगों के पास जाना होता है, हमें जैसे जैसे किसान होता है ना, तो किसान क्या होता है, जैसे किसान को किसानी करनी होती है, खेती करनी होती है, तो पहले बंजर जमीन, तो बंजर जमीन में बीज डालता है, खाद डालता है, तो उसके बाद फसल आ जाती है, फसल को जाके बेच देता है, तब उसका फायदा होता है, ठीक है ना। गन्ने की फैक्ट्री में, आप में से गन्ने का फैक्ट्री किसी ने देखा है? हाँ सर, मैंने देखा है सर। देखा सर, आपने देखा, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो गन्ने की फैक्ट्री के बारे में थोड़ा सा आप बता सकते हैं, क्या होता है, क्या नहीं होता है, थोड़ा सा? सर गन्ने की फैक्ट्री बताइए, बताइए। हाँ जी जी, बताइए बताइए। हाँ, तो ये गन्ने का फैक्ट्री है, गन्ने का फैक्ट्री के अंदर यदि आप जाकर देखेंगे, आपको याद आएगा, आप यदि गन्ने की फैक्ट्री में गए हैं तो आपको याद आएगा, गन्ने की फैक्ट्री के अंदर क्या होता है कि जब हम गन्ने की फैक्ट्री में जाते हैं, इतनी लंबी चौड़ी ढेर सारी फैक्ट्री होती है, अब गन्ने की फैक्ट्री के अंदर गन्ना बनता है, चीनी बनती, वो गन्ने से चीनी निकालते हैं, चीनी निकाल के बेचते हैं, लाखों करोड़ों रुपए का कारोबार होता है, गन्ने की फैक्ट्री बहुत शानदार तरीके से चलती है, हमें लगता है बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, बहुत बड़ी फैक्ट्री है। गन्ने की फैक्ट्री जो होती है, गन्ने की फैक्ट्री में यदि आप वहां के मैनेजर से, वहां के मालिक से जाके पूछो, सर आप क्या काम करते हैं, आपको क्या जवाब देगा? मान लो आपने गन्ने की फैक्ट्री में जाके उससे पूछा, आप क्या काम करते हैं भाई सर, क्या जवाब देगा आपको? गन्ने की फैक्ट्री का काम क्या है आप बता दो जरा, गन्ने की फैक्ट्री का काम क्या है आप बता सकते हैं? गन्ने की फैक्ट्री में सर, हेलो, हाँ बताइए क्या काम है? गन्ने की फैक्ट्री में सर वहाँ पे सर काम सर ये होता है सर, वहाँ पे जो सर शक्कर बन रहा है, गुड़ बन रहा है सर, चीनी बन रही है सर, वो बन के सर बाहर को सप्लाई होता है सर, उसका काम यही है वहाँ। बढ़िया, ये गन्ने की फैक्ट्री का दूसरा काम है, ये उसका दूसरा काम है, अल्कोहल उसका काम है। ओके, ये दो काम हो गए, ये सेकंड और थर्ड काम है, दूसरा और तीसरा काम है। गन्ने की फैक्ट्री का पहला काम क्या है, पहला सबसे ज्यादा जरूरी, आपने सेकंड और थर्ड काम बता दिए, सबसे ज्यादा जरूरी काम नंबर वन, जिसके बिना गन्ने की फैक्ट्री चली नहीं सकती, वो काम क्या है? गन्ना सर, गन्ना लेना सर, वहां पे गन्ना मंगाना, किसानों का गन्ना सर आता है। गन्ने की फैक्ट्री का पहला काम है, बहुत बढ़िया नरेंद्र जी, बहुत बढ़िया आपने बताया। गन्ने किसानों से, किसानों से गन्ना लेना पड़ता है, पहले मार्केटिंग करना पड़ता है, मार्केटिंग कर नहीं करें, बहुत आदमी तो अपना फील्ड होता नहीं, तो फिर मार्केटिंग करनी पड़ती है, किसानों से एडवांस में कुछ जो प्राइवेट है वो तो पैसे देने पड़ते हैं उनको, गन्ना लिया जाता है, पिराई होता है, पिराई होने के बाद फिर गुड़ बनता है, गुड़ बनने के बाद फिर प्रोसेसिंग होकर के उसका जो है शक्कर बनता है, फिर चीनी के रूप में लास्ट ऑप्शन है वो चीनी बनता है। बहुत बहुत बढ़िया तरीके से आपने बताया अशोक जी, बहुत बढ़िया, आपके लिए जबरदस्त तालियां, आपने बहुत शानदार तरीके से बताया। गन्ने की फैक्ट्री का पहला काम है, नंबर वन काम है, गन्ने की फैक्ट्री जहां पर लगी है, आसपास के 100-150 किलोमीटर के जितने भी किसान हैं उनके पास जाना, हर एक को कन्विंस करना, भाई कुछ और मत उगा लेना, गन्ना उगा। हाँ, उसके लिए पैसे भी दिए जाते हैं। हाँ, उनको पैसे दिए जाते हैं, उनको बीज दिए जाते हैं, ताकि वो गन्ना हमको दे, हमको गन्ना दे, क्योंकि हमारे एरिया में बहुत पहले मैंने देखा था, उस फैक्ट्री में मैं गया था, इसीलिए मुझे जानकारी है। बहुत बढ़िया, तो पहला काम गन्ने की फैक्ट्री का क्या है कि आसपास के किसानों को कन्विंस करना कि भाई कुछ और मत उगाना, उनको हर तरह की सपोर्ट करना और वहां से गन्ने की उगाई करवाना। यहां पर आप देखिए, ये गन्ने की, जब ये गन्ना बन जाता है तो उसके बाद ये फैक्ट्री के अंदर आता है, फैक्ट्री में इससे चीनी निकालते हैं। अब ये गन्ने की जो फैक्ट्री होती है, लगभग 60 करोड़ रुपए की फैक्ट्री है, 60 करोड़ रुपए की फैक्ट्री है। आप सोचो, यदि गन्ने की फैक्ट्री के अंदर गन्ना ही नहीं है तो फैक्ट्री का हाल क्या होने वाला है? रॉ मटेरियल नहीं तो उस काम ही नहीं है कुछ ना भी। 60 करोड़ की फैक्ट्री का भट्टा बैठ जाएगा, 60 करोड़ की फैक्ट्री में एक भी रुपए का काम नहीं होगा, 60 करोड़ की फैक्ट्री में लॉसेज हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, कुछ नहीं हो पाएगा। इसलिए गन्ने की फैक्ट्री के मालिक क्या करते हैं, अगले 6 महीने में जितने गन्ने की जरूरत पड़ने वाली है उसका पहले से इंतजाम करके रखते हैं।
मैन्युफैक्चरिंग शुगर, चीनी बनाने का उसका काम है, अल्कोहल बनाने का उसका काम है, पहला काम क्या है, पहला काम है गन्ना उगवाना, कल्टीवेटिंग शुगर केन। इंश्योरेंस एजेंट का जो काम है, इंश्योरेंस एजेंट का काम क्या है, दो तरीके के काम है इंश्योरेंस एजेंट के, इंश्योरेंस एजेंट के दो तरीके का काम है, पहला तो पॉलिसी बेचना वो ठीक है, दूसरा काम क्या है, दूसरा काम है जाओ लोगों की घंटियां बजाओ, लोगों के दरवाजे खटखटाओ, नाम इकट्ठे करो, उसके बिना आपकी गन्ने की फैक्ट्री, आप 60 करोड़ की एलआईसी एजेंसी के मालिक हो लेकिन आपकी 60 करोड़ की एलआईसी एजेंसी की वैल्यू है जीरो यदि आपके पास प्रोस्पेक्ट नहीं है। तो लीड जनरेशन करना हमारे लिए सबसे बड़ा काम है, यदि हमने वो नहीं किया तो हम बुरी तरीके से डूब गए। आज की डेट में यदि पॉलिसी नहीं बिक रहा है तो उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि हमारे गन्ने की फैक्ट्री में गन्ना ही नहीं हमारे पास। सर मैं लीव कर रहा हूँ सर, ड्यूटी जाना है, लेट हो रहा है। हाँ हाँ ठीक है ओके अशोक जी, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच आप यहाँ पर आए। तो कल सुबह जरूर आइएगा 8:35 पर, विनोद जोशी जी आ रहे हैं, बहुत शानदार प्रोग्राम कल का होने वाला है, कल जरूर आइएगा जी। और कोई साथी बताना चाहेंगे आज का प्रोग्राम आपको कैसे लगा हमारा, बस हम कम्प्लीट कर रहे हैं तो कोई साथी शेयर करना चाहेंगे अपना माइक को ऑन करने के बाद बताएं। नहीं सर बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। यहाँ पे मीटिंग पे आके ना एक जोश सा आ जाता है। अच्छा अच्छा थैंक यू सो मच। तो कल आता ना ऐसा ऐसा लगता है कि ना जैसे किसी में ना सर वो एनर्जी पी के वो आता है ना, वो कौन सा सर वो चलाता है, वो बास्केटबॉल डालता है एनर्जी पी के और जाके ज्यादा डालता है।